नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश तोमर लोकनायक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि हमें पता है, इंडिया में कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसकी पैनिक की वजह से लोग कहीं से भी कुछ भी सुन के कोई भी टेस्ट बस करा रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर आता है सीटी स्कैन। देखिए, हमारी गाइडलाइंस रोज चेंज हो रही हैं टेस्टिंग को लेके। द बेस्ट आई कैन डू इज आपको लेटेस्ट गाइडलाइन से वाकिफ करा दूं। तो एज ऑफ 30 अप्रैल 2021 हमारी गाइडलाइंस हमें बताती हैं कि सीटी स्कैन सिर्फ तीन ही केसेस में हम करेंगे, तीन ही कारणों की वजह से करेंगे। पहला डायग्नोसिस के लिए, दूसरा मैनेजमेंट के लिए और तीसरा फॉलोअप के लिए। अब ये तीनों कारण मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहला कारण है डायग्नोसिस। इसका मतलब अभी हमें पता नहीं है कि पेशेंट को कोविड है या नहीं, तो किन केसेस में हम सीटी की मदद लेंगे कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को कोविड है या नहीं। पहला, अगर आपके एरिया में किसी कारणवश आरटीपीसीआर की जांच नहीं हो रही है। दूसरा, अगर जांच हो भी रही है बट उसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का टाइम लग रहा है और डिले की वजह से आपके पेशेंट की कंडीशन खराब होती जा रही है। कंडीशन खराब से मेरा मतलब है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा है। और तीसरा, अगर आपके पेशेंट की रिपोर्ट आई है नेगेटिव बट आपके डॉक्टर को लग रहा है कि उसको सारे कोविड के सारे सिम्टम्स हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट बहुत खराब आई हैं, चिंताजनक आई हैं और उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है, उनको कोई स्ट्रांग दवाइयां स्टार्ट करनी है जिसके लिए कंफर्म होना बहुत जरूरी है कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं, इन केसेस में आपका सीटी कराया जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे कारण पे, जो कि है मैनेजमेंट। अभी हमें पता है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, उसकी दवाइयां चल रही हैं बट दवाई देने के बावजूद पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है, उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है। इस केस में अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि सीटी कराने से उन्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे दवाइयां बढ़ाने, कम करने या चेंज करने में उनको हेल्प मिलेगी, तो आपका सीटी करा सकते हैं। डॉक्टर्स आपका सीटी तब भी करा सकते हैं अगर उन्हें लगता है या आपको कोविड के साथ और भी कोई बीमारी है लंग के अंदर, जैसे टीबी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या कोई भी और इन्फेक्शन, तो आपका इन्फॉर्मेशन जो सीटी देता है उससे आपकी दवाइयां चेंज करने में या बढ़ाने में डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है। लास्ट कारण है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब है एक बार ही आपका पहले सीटी हो चुका है और आपके डॉक्टर आप दूसरी बार सीटी तब कराएंगे अगर आपकी कंडीशन पेशेंट की बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर को लगता है कि सीटी कराने से उसका कारण पता चल सकता है, तो इस केस में आपका सीटी दोबारा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सीटी कराने अपनी मर्जी से नहीं, किसी डॉक्टर की एडवाइस पे ही जाएं। ये सारे पॉइंट्स हो गए कि कब का पेशेंट का सीटी कराया जाता है, बट ये बताना भी बहुत जरूरी है कि कब आपने सीटी नहीं कराना है। आरटीपीसीआर को छोड़ के सीटी पे जाना, बिना सिम्टम्स हुए कोविड पॉजिटिव पेशेंट में सीटी कराना, ये सब सिनेरियो देखते हुए हमारी हेल्थ अथॉरिटीज ने भी ये माना है कि बिना कारण के सीटी कराने से फायदे से ज्यादा नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिसाइड्स द फैक्ट कि ऐसा कराने से हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे स्कैनिंग सेंटर्स पे बेमतलब का लोड बढ़ता है जो कि ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है। आपका पेशेंट है कोविड पॉजिटिव बट उसको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी है और सिर्फ बुखार, आपके पेशेंट की कंडीशन सुधर रही है, तो अपने सीटी कराने सिर्फ ये देखने के लिए नहीं लेके जाना है कि देख लेते हैं लंग की स्टेटस क्या चल रहा है। ये जितनी बातें मैंने बोली हैं ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब गाइडलाइन में कोई भी चेंज आता है तो आप उस लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी, बी स्ट्रांग।